पैसा, पावर और हीरोइन। कोलकाता में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का कनेक्शन यही कहता है। बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों से ईडी की पूछताछ चल रही है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और इस रिपोर्ट में जानिए कि कैसे दोनों आरोपी एक साथ आए और कैसे हुआ ये पूरा घोटाला। करोड़ से ज्यादा का ये कैश जब शुक्रवार को दुनिया के सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। कैश जिस अर्पिता मुखर्जी नाम की महिला के घर से मिला वो बंगाली फिल्मों में काम कर चुकी हैं। लेकिन अर्पिता की पहचान इतने भर की नहीं थी। एक तरफ ईडी की टीम बरामद कैश को बड़े बड़े बक्से में जमा कर रही थी, तो दूसरी ओर पावर, पैसा और ब्यूटी के कॉकटेल का कनेक्शन सामने आ रहा था। कुछ घंटों बाद ही कैश के कनेक्शन का तार बंगाल की सत्ता के गलियारे तक पहुंच गया और सवालों के घेरे में ममता बनर्जी की सरकार आ गई। बाद में ईडी ने ममता के करीबी मंत्री और राज्य के ताकतवर नेताओं में से एक पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। सवाल ये कि क्या 21 करोड़ का ये कैश ममता के करीबी मंत्री पार्थ चैटर्जी का है और क्या इस कैश कनेक्शन में सत्ता से जुड़े कुछ और लोग शामिल हैं? ईडी की टीम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने में जुटी है। ईडी ने पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद बरामद हुए कैश के बारे में पूछताछ की तो आरोप ये सामने आया कि पार्थ चैटर्जी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। फिर पार्थ चैटर्जी ने ये कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिससे ईडी ने ड्रामा करार दे दिया। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें भुवनेश्वर ले जाकर वहां उनका इलाज करा गया और रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें कुछ भी नहीं था। फिलहाल उनकी तबीयत भी ठीक बताई जा रही है और पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 3 अगस्त तक कोर्ट ने ईडी की हिरासत में भेज दिया है। एबीपी न्यूज के पास सवालों की वो लिस्ट मौजूद है जिसके जवाब ईडी पार्थ चैटर्जी से जानने में जुटी है। पार्थ से ईडी ने पूछा है कि आपके घर एसएससी के जो एडमिट कार्ड मिले हैं वो कहां से आए? अर्पिता के घर जो रुपए मिले हैं क्या वो आपके हैं? ये रुपए कहां से आए? क्या ये एसएससी भर्ती के पैसे हैं? पैसे किसके जरिए आते थे? अर्पिता से आपके किस तरह के संबंध हैं? एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर से 2 डायरी बरामद की है। पहली डायरी काले रंग की है जिसमें 40 पन्ने बताए जा रहे हैं। शक है कि इस डायरी में लेन देन का काला चिट्ठा हो सकता है। दूसरी काली डायरी 11 पन्नों की है जो पॉकेट डायरी है। इसमें भर्ती घोटाले से जुड़ी जानकारी होने का शक है। ईडी की टीम अपनी पूछताछ में डायरी के बारे में जानकारी चाहती है। शक है कि डायरियों में कुछ और रसूखदार लोगों का नाम मिल सकता है। अब जरा घोटाले और घोटाला करने के आरोपियों का पूरा चेन समझिए। इस पूरे घोटाले में अब तक 2 मुख्य किरदार सामने आए हैं। पहला किरदार पार्थ चैटर्जी हैं, जो राज्य में अभी उद्योग मंत्री हैं और पहले राज्य के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। जिस वक्त का ये घोटाला है उस वक्त पार्थ शिक्षा मंत्री ही थे। केस का दूसरा किरदार अर्पिता मुखर्जी है, जो पेशे से कलाकार हैं, लेकिन पार्थ चैटर्जी की काफी करीबी हैं। कई सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में दोनों साथ दिखते रहे हैं। वैसे तो अर्पिता की पहचान बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में फ्लॉप हीरोइन की रही, लेकिन शुक्रवार को जब ईडी ने उनके टॉलीगंज के फ्लैट से 21 करोड़ रुपए कैश, 79 लाख रुपए के गहने बरामद किए तो वो लाइमलाइट में आ गई। कहा जा रहा है कि अर्पिता दुर्गा पूजा कमेटी के जरिए पार्थ के संपर्क में आई थी और जब ये घोटाला हुआ था
तब पार्थ पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। घोटाला है क्या, अब जरा उसे समझिए। 2016 में स्कूल सेवा आयोग ने शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा ली। 2017 में रिजल्ट आता तो गड़बड़ी के आरोप लगे। हाईकोर्ट में अर्जी लगी तो भर्ती रद्द हुई और जांच के आदेश दिए गए। सीबीआई की जांच में पैसों का लेन देन मिला तो ईडी ने जांच शुरू की। इसी साल अप्रैल मई में सीबीआई ने पार्थ चैटर्जी से पूछताछ की थी और शुक्रवार को नोटों का ढेर अर्पिता के घर से मिला तो इस घोटाले का पूरा खेल खुल गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।